नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा में नशीली सिरप का कारोबार इस कदर बढ़ चला है कि मेडिकल नशे के तस्कर अब नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बीते दिन सामने आया जब रीवा पुलिस ने कफ सिरप बेचने वाला एक आरोपी को गिरफ्तार किया जो एप्पल जूस और पानी की बोतल में भरकर कोरेक्स कफ सिरप बेच रहा था। रीवा के सिटी कोतवाली पुलिस ने एप्पल के जूस में कोरेक्स सिरप बेचने वाला एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि आरोपी राज अंसारी तरहटी निवासी का रहने वाला है जो अपनी स्कूटी से निपनिया पुल की ओर कफ सिरप लेकर जा रहा है। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी के पास से 27 cc कोरेक्स सिरप बरामद हुई है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया है कि आरोपी के पास से एप्पल के जूस की बोतल में कोरेक्स कफ सिरप बरामद हुआ है। वहीं आरोपी के पास से 500 रुपए भी बरामद हुए हैं। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी ने कोरेक्स कफ सिरप बेचने के लिए नया तरीका अपनाया था। आरोपी के पास से टोटल 90 cc कोरेक्स कफ सिरप बरामद हुई है। आइए सुनाते हैं थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह ने मीडिया से क्या कहा। दुकान में नहीं छापामारी की गई है, निपनिया पुल के पास घेराबंदी करके राज अंसारी जो कि तरहटी का निवासी है, इसके बारे में खबर मिली थी कि ये स्कूटी से ये कप सिरप लेके और बिक्री करने के लिए घूम घूम के बेचता है, आ रहा है। इस सूचना पर उसको घेराबंदी करके और उसके पुल के पास पकड़ा गया। जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 27 cc ऑनरस सिरप और बाकी 3 बॉटल एक एक लीटर की प्लास्टिक की बोतल पानी की बोतलें में वही अंडर सिरप अन्य सीसियों से भरा था, पूरी फुल थी वो, प्लस 2 लीटर की एक प्लास्टिक की सीसी थी उसमें भी पूरा कप सिरप भरा हुआ था, प्लस एप्पी जो एप्पल जूस आता है उसकी 5 सीसियाँ हैं जिसमें से 250 ml की सीसियाँ हैं उनमें भी कप सिरप भरा हुआ है और 3 150-160 ml की सीसियाँ हैं उनमें भी कप सिरप भरा हुआ है। मतलब इतना उसके पास कप सिरप पाया गया था। कुछ बिक्री के पैसे हैं 4-5 रुपये वो मिले हैं तो उसको जब्त किया गया उससे और उसको गिरफ्तार किया गया है, बाकी पूछताछ की जा रही है। लगभग ये 90 cc के आसपास टोटल जोड़ने पर 90 cc के आसपास कप सिरप हो रहा है और ये नया तरीका चूँकि लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ज़िले में जब से आए हैं तब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कप सिरप के ऊपर की गई हैं, तो अब ये नया तरीका ईजाद करके कि बोतलों में भर करके कप सिरप को ला करके बोतलों में भर के अब घूम घूम के और एप्पी की सीसी में वहीं पे बेचता था और लोग बाग बैठ के चाय की दुकानों में वही एप्पी की सीसी से पीते थे, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाता था। जो उसके निश्चित ठिकाने थे घूम घूम के उसके निश्चित ग्राहक हैं उनको बिक्री करता था। ये इस तरह से इसको पकड़ा गया है। सर, ये कहां से लगता है, कुछ जानकारी? ये भी इसकी पूछताछ की जा रही है, अभी लगातार पकड़े हैं तो कुछ इलाहाबाद तरफ से आने की बात बता रहा है कि इलाहाबाद तरफ से लाते थे, और भी इसके गिरोह में कौन कौन थे और कौन कौन इसको देते थे, ये सारी जानकारी पूछताछ की जा रही है। जो भी जानकारी प्रकाश में आएंगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।